सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हो मीटो। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सारा हॉलीवुड मूवी, यहाँ तक कि अभी बॉलीवुड मूवी में भी आपको नीचे सबटाइटल दिया जाता है, तो आप भी इसी तरह अपने वीडियोस में सबटाइटल लगा सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग यूट्यूब वीडियोस में हम लोग कैसे अपना जो सबटाइटल है इंग्लिश में हो या हिंदी में कैसे हम लोग सबटाइटल लगा सकते हैं, उसके बारे में पूरा बात करने वाले हैं। अगर आपने जो भी वीडियोस आपने क्रिएट किया है या फिर आपने जो भी वीडियोस आपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हो, हिंदी लैंग्वेज में वीडियो क्रिएट करके आपने अपलोड किया होगा, तो आपको बहुत सारे रिक्वेस्ट आया होगा अपने व्यूअर्स के तरफ से या फिर सब्सक्राइबर के तरफ से कि आपका जो लैंग्वेज है उन लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे कि समझ लीजिए, अगर कोई भी बंगाली व्यूअर्स है या फिर तमिलियन व्यूअर्स है, उन लोगों को ज़्यादातर हिंदी इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए आप नीचे सबटाइटल भी डाल सकते हो। तो वही सबटाइटल अपने वीडियोज़ में कैसे हम लोग डाल सकते हैं, इस वीडियो में पूरा बात करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे हम लोग वीडियोस में सबटाइटल डाल सकते हैं, वो भी अपने वीडियोस को अपलोड कर लेने के बाद। और वो जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस मैं आपको अपने लैपटॉप में जाके आपको स्क्रीन में करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए चले शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। लैपटॉप के स्क्रीन के आ जाने के बाद आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो वो ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं अपना गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर चुका हूँ एंड आपका जो यूट्यूब स्टूडियो है उसमें मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। तो आपको इसी तरह लॉगिन होना हो जाना है अपना यूट्यूब स्टूडियो में। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए साइड में सबटाइटल लिखा हुआ है, आपको सबटाइटल में क्लिक करना है। सबटाइटल में क्लिक करने के बाद जो भी अपने वीडियोस यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं सारा वीडियोस यहाँ पे आ जाएंगे, और वहां में से जो भी वीडियोस में आप सबटाइटल डालना चाहते हो उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देखिए एडिट कॉन्टेक्ट पेज, इस वीडियो में आपको सबटाइटल जो है ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो इसमें देखिए क्लिक करेंगे, इस एरो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा देगा, देखिए जो भी वीडियोस हमने डाला है उसमें पब्लिश भी है, और यहाँ पे कैप्शन को मतलब सबटाइटल को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड लिखा है, तो आपको ऐड में क्लिक कर देना है। ऐड में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो भी दूसरा और एक टैब में खुल जाएंगे और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वीडियो मेरा दिख रहा है और यहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पोस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है आपको, अपलोड फाइल, ट्रांसक्राइब एंड ऑटो सिंक्रोनाइज एंड क्रिएट न्यू सबटाइटल, ठीक है। तो अपलोड में से अगर आप SRT फाइल आपका है तो अपलोड कर सकते हो, अपलोड करके आपका जो भी फाइल है अपलोड करके आप सबटाइटल लगा सकते हो, एंड साथ ही ट्रांसक्राइब कर, मतलब ऑटोमेटिक आपका ट्रांसक्राइब होगा। और तीसरा ऑप्शन है आपको क्रिएट सबटाइटल फाइल, अगर आपका सबटाइटल आपको ऑनलाइन क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट सबटाइटल फाइल में क्लिक कर देना। तो फिलहाल आपको देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जो अपलोड करेंगे SRT फाइल, कौन सा फाइल आपको सपोर्ट करेंगे सबटाइटल के लिए, तो वो आप हम देख सकते हैं यहाँ पे लर्न मोड में क्लिक करके, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से मैं क्लिक करके आप देख सकते हो कौन सा फाइल आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए फाइल एक्सटेंशन SRT होना चाहिए, SVV होना चाहिए, इस तरह का यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है कौन सा फाइल सपोर्ट होगा, एज ए सबटाइटल आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग सबटाइटल क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे तीन नंबर ऑप्शन है, क्रिएट न्यू सबटाइटल और CC, आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो पेज होगा वो लोडिंग हो जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, पूरा का पूरा ऑप्शन दे देगा कैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको स्पेस दे दिया है और यहाँ पे सिर्फ आपका जो कैप्शन होगा मतलब आपका जो सबटाइटल होगा, सबटाइटल को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो फिलहाल देखिए मेरा फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक करके दिखा दूँ, तो मेरा वीडियो में आप मेरा जो वीडियो होगा इस वीडियो में अगर एक बार प्ले करेंगे तो आपको पहले ही आपको यहाँ पे सुनाई देगा कि सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हो मीटॉक्स, इस तरह के मेरा वीडियो में आपको दिख जाएगा पहला कैप्शन में, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम अभी हिंदी में बात किए हैं मैंने अपने वीडियो में, हम यहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल डालने वाले हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में हम यहाँ पे लिखेंगे, सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितेश एंड यू आर वॉचिंग मीटॉक्स, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से आपका जो भी सबटाइटल होगा वो आपको टाइप कर लेना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मेरा सबटाइटल, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेरा सबटाइटल टाइप कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड सेक्शन। तो सेकंड सेक्शन में देखिए, अगर मैं इसको एक बार चालू करके दे मतलब प्ले करके देखूँ तो आपको यहाँ पे मेरा सबटाइटल यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए मेरा सबटाइटल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग एक एक करके जितना भी सेक्शंस है हम लोग सबटाइटल डालेंगे। तो मैं दूसरा जो सबटाइटल डालने वाला हूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सबटाइटल पहले चला के देखेंगे क्या सबटाइटल होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी हमने सुना है सबटाइटल में, तो सबटाइटल में हमारा जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड सेक्शन होगा, उसमें हम डालने वाले हैं। हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जो भी हमारा सेकंड सबटाइटल है, जैसे कि टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू रीड पेज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं वही चीज़, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद इसी तरह से हम लोग तीन चार जितना भी आपको सेक्शन यहाँ पे दे दिया है, उसी सेक्शन को आपको फिलअप करना है एक एक करके। अगर आपका उसका ड्यूरेशन भी इंक्रीज करना चाहते हो या फिर डिक्रीज करना चाहते हो, तो आप यहाँ में से इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीन नंबर सेक्शन में मेरा सबटाइटल यहाँ पे डाल देता हूँ, हाउ शुड वी चेंज आवर कॉन्टेक्ट पेज एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑफ आवर वेबसाइट, ठीक है। तो हमने ये चार सेक्शन में अपना सबटाइटल यहाँ पे डाल दिया। तो एक बार इसको चला के देखेंगे तो यहाँ पे पूरा सबटाइटल आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो भी हम बोलेंगे पूरा सबटाइटल आपको यहाँ पे दिख जा रहा है। तो इसी तरह से क्या करना है, आपका जितना भी सबटाइटल्स आपका सेक्शन दिया है, सभी सेक्शन में आप जो मतलब आपका सुइटेबल है, सभी सुइटेबल सेक्शन में आपको अपलोड मतलब अपना टाइप करके, आपका जो सबटाइटल है टाइप करके आपको आगे बढ़ते रहना है। तो मैं फिलहाल जितना भी मेरा सबटाइटल सेक्शन दिया है हुआ है और मेरे लिए जो सुइटेबल है, मैं यहाँ पे पूरा फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। फिलअप करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लगभग सभी मतलब टाइप करके लगा दिया। फिर लास्ट में हमने लिखा है थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो पूरा देखिए, इस तरह से मेरा जितना भी मेरे लिए सुइटेबल सेक्शन है, मैंने सभी सेक्शन में मेरा सबटाइटल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो सबटाइटल डालने के बाद आपको क्या करना, ऊपर जाना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सबसे ऊपर में पब्लिश लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, पब्लिश में क्लिक कर देना है, ठीक है। पब्लिश में क्लिक कर लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपका जो जो भी आपका सबटाइटल आपने डाला है, वो सबटाइटल पब्लिश हो जाएंगे, और जो भी व्यूअर्स वीडियो देखेंगे, आपको साथ ही साथ वीडियो तो देखेंगे, वॉच करेंगे, हिंदी में सुनेंगे, और उसका नीचे सबटाइटल भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। उसके बाद हम रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करेंगे, तो हमारा यूट्यूब स्टूडियो में हम फिर से लौट जाएंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे सबटाइटल में, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा सबटाइटल ऐड करने के बाद मेरा वीडियो क्या कैसे दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे एरो में क्लिक करेंगे फिर से, और यहाँ पे देखिए पहले ऐड बटन आ रहा था, अभी यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, इसलिए पब्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह हम लोग जो भी SRT फाइल है, SRT फाइल को हम लोग कैसे अपने वीडियोस में एज ए टाइम मतलब सबटाइटल ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी फाइल्स है, आप इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो सबटाइटल को, और अगर आप इसमें एडिट भी करना चाहते हो तो यहाँ में से एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपलोड करके, जो भी SRT फाइल है, SRT फाइल को अपलोड करके मैं एक वीडियो में अपलोड करके दिखा देता हूँ कि आप लोग SRT फाइल भी अपलोड करके आप वीडियो में अपना सबटाइटल डाल सकते हो। उसके लिए हम फिर से जाएंगे ऐड में, हमें ऐड में क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन, तीन ऑप्शन फिर से दे दिया जाएगा, अपलोड एंड ऑटो सिंक्रोनाइज और दूसरा CC, ठीक है। तो हम लोग पहला जो ऑप्शन है हमारा फाइल अपलोड, आपको फाइल ए अपलोड में क्लिक कर देना है, और आपका जहाँ पे आपका SRT फाइल, यहाँ में से पहले चूज कर लेना है सबटाइटल फाइल, तो सबटाइटल फाइल में आपको क्लिक करना है, उसके बाद चूज फाइल में क्लिक कर देना है। चूज फाइल में क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपका SRT फाइल रखा हुआ है, वहाँ से आपका SRT फाइल आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं SRT फाइल रखा हूँ, देखिए न्यू फोल्डर में, तो मैं फिलहाल यहाँ पे दिखा देता हूँ मेरा जो ये फाइल है ये SRT फाइल में, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरा फाइल डायमेंशन यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए SRT.SRT फाइल में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग SRT फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो आपको ये फाइल को चूज कर लेना है और आपको ओपन कर देना है, जो आपका SRT फाइल होगा वो यहाँ पे लोडिंग हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कैसे हम लोग SRT फाइल अपलोड कर SRT फाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे वहां से, ठीक है। तो SRT फाइल को अपलोड कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन आपको टाइपिंग करने के बजाय आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो भी सबटाइटल्स आपने डाला है यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको पब्लिश में क्लिक कर देना है तो आपका जो प्रोसेस है पब्लिश हो जाएंगे। पब्लिश हो जाने के बाद ठीक उसी तरह से आपका देखिए ऑटोमेटिक सबटाइटल आ जाएगा, जब भी कोई व्यूअर्स आपका वीडियो देखे। तो हम लोग फिर से जाएंगे डेट रूम में, उसके बाद सबटाइटल में जाएंगे वहां, और वहां में जाके आप देख लेंगे पहले हमने जो भी अपलोड किया है सबटाइटल वो यहाँ पे पब्लिश प्रॉपरली हुआ है नहीं, ठीक है। हम लोग फिर से इसमें एरो में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पब्लिश, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना जो सबटाइटल है क्रिएट कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने जो अपना वीडियोस में आप सबटाइटल इजीली हम ऐड कर सकते हैं अपना वीडियोस को यूट्यूब में डालने के बाद भी, जितना इसी प्रोसेस से जितना भी आपका वीडियोस है सारा वीडियोस में एक एक करके आप लैंग्वेज सबटाइटल आप लगा सकते हो।
और फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस है मैंने अपने यूट्यूब में कैसे हम लोग ऑनलाइन होकर हम लोग कैसे हम लोग सब टाइटल लगा सकते हैं उसके बारे में बताया। फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और वो भी आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर, जितना रिक्वेस्ट आएगा उसी रिक्वेस्ट को कैलकुलेशन करते हुए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपना जो वीडियोस है वीडियोस को क्रिएट करते समय हम लोग सबटाइटल ऑटोमेटिक ऐड करके वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और सबटाइटल के साथ अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वही नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ और वो एक सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करने वाला हूँ। उस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे और उसमें हम बताएंगे कैसे हम लोग अपना सबटाइटल है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और अपने एक ही साथ सबटाइटल के साथ अपना जो वीडियोस होगा उस वीडियो को हम लोग कैसे यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स अगर मेरा चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर इस वीडियो को देख के आपको पसंद आए तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक तो बनता ही है। और फिर भी अगर कोई भी आपको परेशानी आ रहा है तो मेरा कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ में जाके आपका जो भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।